हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न। मैं सरसिशन, आज आप लोगों के लिए मैं जो टॉपिक ले आया हूँ वो है प्रोनंसिएशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमें पढ़ने में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हम आवाज़ जो है, जो उसका उच्चारण है वो सही से नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए ये आज बहुत ज़्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सब बच्चों के लिए, उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये मसले पेश आते हैं। कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा रूल कवर कर पाऊँ मैं आप लोगों के, पर एग्जाम्पल्स मैंने थोड़े कम दिए हुए हैं। सो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिएगा इन रूल्स को फॉलो करके, ताकि इन रूल्स के ऊपर आप लोगों की अच्छे से ग्रिप हो सके। सो ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक पे। 9 रूल्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज, तो 9 रूल्स हैं। और पहला जो रूल ले आया हूँ वो है सी से जुड़ा हुआ। हमें सबको बहुत मसला होता है कि भाई सी को हम कहाँ क का साउंड लेके पढ़ते हैं और कहाँ सी को हम स का साउंड लेके पढ़ते हैं, तो उनके लिए एक आसान सा रूल है। ये रूल वाउल से कंसर्न है, ज़रा इस पर गौर करिएगा कि जैसे सी के साथ अगर ए हो या फिर ओ हो या फिर यू हो, अगर इन तीनों वाउल में से कोई भी अगर सी के साथ है तो आवाज़ जो है ना वो क का आएगा। देखते हैं जरा, सी एच ई कैट, देन सी ओ एम ई कम, एंड देन सी यू टी कट। तो आप लोग यहाँ गौर करें कि सी के साथ ए लगा है या सी के साथ ओ लगा हो या सी के साथ यू लगा हो, तो आवाज़ किसकी निकलेगी, वो आवाज़ आएगी कर की। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। आते हैं, अगर सी के साथ आए हो या फिर ई हो, अगर सी के साथ आए या ई हो तो आवाज़ जो है वो स से निकलता है। जैसे मैंने लिखा हुआ है सीमेंट, सीमेंट, देन सिनेमा, सीमेंट, सिनेमा। यहाँ दोनों में सी के साथ पहले ई है, यहाँ सी के साथ आए है, तो ये क्लियर हो गया कि अगर सी के साथ ई हो या आए हो तो आवाज़ क का नहीं आएगा, आवाज़ आएगा स। तो जी ये आज आप लोगों के लिए क्लियर होगा कि कहाँ हम का यूज़ करेंगे, कहाँ हम सी को स के तौर पे यूज़ करेंगे। रूल नंबर दूसरे पे मैं आता हूँ जो कह रहा है ई में जी। जी ये ई का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रूल है, इस पर भी गौर करिएगा। ये खुद तो साइलेंट रहती है पर प्रोनंसिएशन पे बड़ा इम्पैक्ट डालती है। आए देखें कैसे, जैसे ये वर्ड है टन, अगर ई को हम फिलहाल छोड़ दें तो ये वर्ड है टन, पर अगर इसके साथ ई जुड़ती है तो इसके आवाज़ को खींच देती है, सो दैट बिकम्स टॉन। अगर ये वर्ड है सी यू टी, ई फिलहाल ना समझें आप लोग, और इस सी यू टी के साथ अगर हम ई लगा रहे हैं तो नाउ ये कट, द वर्ड कट बिकम्स क्यूट, द कट बिकम्स क्यूट। देखें कैसे प्रोनाउंसिएशन को खिंचाव आ रहा है। ठीक है, फिर एक और एग्जाम्पल है, अगर ई को हम फिलहाल इग्नोर करते हैं तो ये है ब्रट, आर यू टी ब्रट, पर अब ई जुड़ने से दिस वर्ड बिकम्स क्यूट, क्यूट। देखें कैसे ई रहे तो साइलेंट रही है, ठीक है, पर वो प्रोनंसिएशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है। बहुत सारे ऐसे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे जहाँ ई एज अ साइलेंट यूजर हो रही होगी, पर वो वर्ड के प्रोनंसिएशन पे बहुत ज़्यादा खिंचाव डालेगी, इम्पैक्ट पे डालेगी। ठीक है, तीसरा जो रूल यहाँ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है जी एस ज और ग। तो ये भी एक बड़ा बहुत इशू होता है कि कहाँ भाई हम जी को ज के तौर पे लें, कहाँ जी को ग के तौर पे लें। तो देखिए यहाँ मैं क्लियर करने वाला हूँ कुछ रूल्स हैं, वो है ई आई वाई। अगर जी के साथ ई आई वाई हो तो आवाज़ ज का निकलेगा, आवाज़ ज का निकलेगा। यहाँ एक और बात मैं क्लियर करता जाता हूँ कि भाई ये जो इंग्लिश के रूल्स हैं प्रोनंसिएशन के, ये 100% वर्क नहीं करते, इनमें कुछ वर्ड्स की एक्सेप्शंस आ जाती हैं। तो इस वजह से कहीं आप ये नहीं कहना कि सर ये वर्ड आपने बताया था पर ये रूल यहाँ तो फेल हो गया। तो भाई इंग्लिश में 100% कभी भी रूल्स फॉलो नहीं कर सकते, क्यों, इसकी वजह है क्योंकि ये है नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। जी इसका मतलब ये है कि जैसे दूसरी लैंग्वेजेस हैं उर्दू या सिंधी, जैसे लिखी जाती है वैसे ही पढ़ी जाती है, या जैसे लिखी हुई है वैसे ही हम पढ़ते हैं उसको, पर इंग्लिश में ऐसे बिल्कुल नहीं है। यहाँ थोड़ा
चेंज है, इसलिए नॉन फोनेटिक है, इसलिए रूल 100% यहाँ काम नहीं करते, पर जितना ज्यादा करते हैं हम वो आपके खिदमत में आज लेकर आए। ठीक है, तो अगर जो वर्ड है वो ई लेटर है, जी जो उसके साथ ई हो, आई हो या वाई हो, तो आवाज ज का आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ वर्ड है एज, देखें जी के बाद ई है तो आवाज निकल रहा है एज, ज का आवाज आ रहा है। फिर देखें जिंजर, जिंजर, सो जिंजर वर्ड को भी आप फोकस करेंगे तो आवाज जो है ज का आ रहा है, आई के साथ भी और जी के साथ भी, ई के साथ भी। ठीक है, फिर वर्ड है जिम, सो मैंने बोला था कि ई आई और वाई के साथ ये जो है आवाज जी जो है वो ज का देता है, तो यहाँ वर्ड है जिम, यहाँ भी आवाज ज का आ रहा है। कुछ वर्ड में एक्सेप्शन है जैसे गर्ल, गिफ्ट एटसेट्रा, तो वो एक्सेप्शन के तौर पे आप उसको लीजिएगा, रूल यही रहने वाला है। ठीक है, अब फिर दूसरा जो एग्जांपल मैंने यहाँ दिया हुआ है कि भाई अगर ई आई वाई को छोड़ के बाकी क्या बच जाता है हमारे पास, ए ओ यू, फिर या फिर जो दूसरे कंसोनेंट हैं वो बच जाते हैं, तो अगर इनको हम जी के साथ लगाएंगे तो आवाज जो है ना वो आवाज जो है वो ग की आएगी, किसकी आएगी, ग की। जैसे वर्ड यहां मैंने दिए हुए हैं कुछ, गैन, गाओ, गैन, ग्रास, तो ये इन वर्ड्स पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ आवाज ज का नहीं आ रहा, यहाँ आवाज किसका आ रहा है, ग, ग का आवाज आ रहा है। आई होप ये रूल क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो है एस प्लस आई ए या फिर आई ओ एन, ये कंडीशन कह रही है कि अगर एस के साथ आई ए लगा हो या फिर आई ओ एन लगा हो तो जो आवाज है ना वो शेयर, वो शेयर का आता है। देखें हमने पढ़ा है कि यहाँ एस का आवाज स से आएगा या फिर ज से आएगा, यहाँ एक और कंडीशन हम पढ़ रहे हैं जहाँ एस आवाज शेयर से लेगी। ठीक है, तो वो कैसे कंडीशन है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है रशिया, इस वर्ड को हम क्या पढ़ रहे हैं, रशिया, क्यों, क्योंकि एस के साथ आई ए लगा हुआ है, तो जब भी एस के साथ आई ए लगा होगा तो आवाज जो साउंड जो होगा वो शेयर का निकलेगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं एशिया, अगेन एस के साथ आई ए लगा हुआ है, तो वही बात आ गई कि एस के साथ आई और ए लगे तो हम शेयर का आवाज लेंगे। दूसरा पेशन, व्हाट इज पेशन, यहाँ एस के साथ आई ओ एन, जो हम जो यहाँ मैंने बात की कि एस के साथ आई ओ एन लगे तो भी आवाज किसका आएगा, शेर का, सो पेशन, शेर, शेर, तो आवाज किसका आ रहा है, शेर का। ठीक है, तो ये बहुत कमाल रूल है एस के लिए। ठीक है, बाकी आते हैं एस के दूसरे रूल पे जो है एस प्लस आई इन मिडिल ऑफ वर्ड, ये रूल को जरा गौर करिएगा कि जब एस आई वर्ड के बीच में आएंगे ना, वो वर्ड के जब बीच में आएंगे तो आवाज जो है ना एस का वो स के बजाय ज का आ जाएगा, वो स के बजाय ज का आ जाएगा। देखें डेमोज यहाँ दिए हुए हैं मैंने, जैसे है म्यूजिक, म्यूजिक, तो ये म्यूजिक तो नहीं है ना, ये म्यूजिक हम कहते हैं, सो यहाँ क्यों, इसलिए ये मिडल में है और एस के साथ आए जुड़िए। अगेन दूसरा एग्जाम्पल है बिजनेस, बिजनेस, can you see यहाँ भी एस के साथ आई जुड़ा हुआ है and middle of the word and then desire, so d e s i r e desire, यहाँ भी जो s i है वो middle of the word है, तो उस वजह से आवाज ज का है। फिर अगेन मैं वही बात करूंगा, ये रूल हर जगह इफेक्टिव वर्क नहीं करेंगे, तो इस चीज को माइंड में जरूर रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो s के हिसाब से और रूल मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ जो 100% या इफेक्टिव तो इतना नहीं है पर इसका जो है जरूर इम्पैक्ट है, तो इस वजह से मैंने ये चीज भी इंक्लूड की है। कॉम्बिनेशन ऑफ ओ एस ई, कॉम्बिनेशन ऑफ ओ एस ई, ये कॉम्बिनेशन भी साउंड को ज, ज में शुमार करता है एस के साउंड को। जैसे यहां मैंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं क्लोज, ठीक है, इसमें ओ एस ई का कॉम्बिनेशन है, देन वर्ड आता है रोज, अगेन इसमें भी ओ एस ई का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो जहां भी पहले वर्ड है नोज, यहां भी कॉम्बिनेशन किसका आ रहा है, वही ओ एस ई का, या फिर डज, डज वर्ड ऐसा है जिसमें भी ओ ई एस ये कंबाइन होके ज का आवाज देते हैं, सो ओ एस ई का भी कॉम्बिनेशन जो होता है वो ज का साउंड देता है।
दूसरे पे आते हैं जो कह रहा है वाउटिंग, वाउटिंग जी। यहाँ कहते हैं कि जब दो वाउल हों, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये जो है रूल, कि जब दो वाउल हों तो पहले वाले का साउंड लेना है और दूसरे को साइलेंट रखना है, दूसरे को साइलेंट रखना है। एग्जाम्पल यहाँ मैंने दिए हुए हैं, आप देखें, जैसे मैंने यहाँ सोप लिखा हुआ है वर्ड, तो एस ओ ए पी, यहाँ मैंने दूसरे वाले बाउल को साइलेंट रखना है, उसका साउंड नहीं लेना है। सो दिस वर्ड बिकम्स सोप, ओ का साउंड आया, ए का नहीं आएगा। याद रखें, जब भी दो बाउल साथ में हो, पहले वाले का साउंड ले, दूसरे वाले को भूल जाए, ठीक है। जैसे दूसरा वर्ड है रोट, आर ओ ए टी, यहाँ भी हम ओ का साउंड ले रहे हैं, ए को हम रफा दफा करे जा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ तीसरा मैंने वर्ड दिया हुआ है रीड, रीड वर्ड में भी हम देखें कि वो पहले वाले लेटर का वाउल का हम साउंड उठा रहे हैं और बाकी ए वाले को हम इग्नोर किए जा रहे हैं। तो ये रूल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब दो वाउल साथ में हो तो पहले वाले का रूल उठाओ, साउंड उठाओ, बाकी वाले को भूल जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रूल नंबर सिक्स ये कह रहा है कि टी आई ओ एन एज चन या फिर चन, तो टी आई ओ एन को हम बहुत जगह पे चन कहते हैं और कहीं कहीं हम उसको चन भी कहते हैं, तो क्या कंडीशन है आइए जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अवार्ड लिखा है एक्शन, नेशन, क्वेश्चन। फिर से रिपीट करता हूँ, इसी में आपको समझाने वाला हूँ, तो उसको जरा गौर करिएगा। वर्ड है एक्शन, फिर है नेशन, फिर है क्वेश्चन। यहाँ एक चीज देखें, ये दोनों वर्ड शन का आवाज दे रहे हैं, शन, एक्शन, नेशन, ठीक है, पर ये आवाज दे रहा है क्वेश्चन, चन का दे रहा है। अब क्या वजह है, ये वजह बहुत ही आसान है कि जब भी टी आई ओ एन से बिल्कुल साथ में एस लगी हो, याद कर लें, जब भी टी आई ओ एन के साथ एस लगी हो तो आवाज चन का आएगा, अगर एस नहीं लगी हो, बाकी दूसरे जो भी 25 हमारे लेटर से उनमें से कोई भी लगा हो, आवाज आएगा शन का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो रूल नंबर 7 यहां मैंने कह रहा है, तो वह है एस आई ओ एन, एस आई ओ एन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ये साउंड करता है या तो यन का या फिर शन का। आई कैसे देखते हैं, अगर ए ई आई ओ यू या फिर आर, ए ई आई ओ यू यानी कि पूरे वाउल या फिर आर अगर एस आई ओ एन के साथ, ठीक है, आते हैं बिल्कुल उससे साथ में आते हैं, तो जो आवाज होता है ना उज्जैन का आता है। एग्जाम्पल यहाँ मैंने दिया है टेलीविजन, तो यहाँ एस आई ओ एन से पहले आए जो है एक वाउल है, तो वो आया तो आवाज क्या निकल रहा है, यन, यन, टेलीविजन, कंफ्यूजन, यन, तो ये आवाज देता है, वो देता है यन का, ठीक है। कब, जब एस आई ओ एन से पहले ए ई आई ओ यू या फिर आर इनमें से अगर कोई भी लेटर होगा तो आवाज यन का आएगा, ठीक है, नहीं तो आवाज शन का आएगा। जैसे टेंशन, परमिशन, यहाँ दोनों वर्ड्स में आप अगर गौर करें तो यहाँ एस आई ओ एन से पहले जो है वो एन है, जो कि एक कंसोनेंट है, इनमें से नहीं है। या फिर परमिशन, परमिशन में यहाँ एस से पहले एस ही है, इन लेटर्स में से नहीं है, इसलिए यहाँ भी आवाज शन का आएगा ना के यन का। आगे बढ़ते हैं, जो रूल नंबर यहाँ मैंने लिखा हुआ है वो है एट, और ये है सी आई ए एन, सी आई ए एन। अब इसका साउंड कैसे आता है जरा एग्जाम्पल्स में हम देख लेते हैं, ये स्पेशली प्रोफेशंस में यूज हो रहा होता है, जैसे इलेक्ट्रिशियन, म्यूजिशियन, पॉलिटिशियन, तो जब सी आई ए एन आए तो ये भी आवाज शन का प्रोड्यूस करेगा, किसका, शन। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 9 जो यहाँ मैंने दिया हुआ है वो है टी आई ए एन, ये जरा गौर करिएगा, ऊपर जो मैंने दिया हुआ था वो टी आई ओ एन था और ये है टी आई ए एन, ठीक है, तो इसका आवाज भी या तो शन से आता है या फिर चन से आता है। जो रूल हमने वहां फॉलो किया यहाँ भी वही रूल हमें फॉलो करना है, टी आई ओ एन वाला ही, कैसे जरा आए देखते हैं। जब भी यहाँ
वर्ड जो भी हो उस टी आई एन के साथ अगर एस साथ में पहले है, अगर एस साथ में पहले है तो आवाज वही किसका आ जाएगा, चन वाला। जैसे ऊपर क्वेश्चन में चन का आवाज आ रहा था, यहाँ भी वही आएगा, तो ये वर्ड हो जाएगा क्रिश्चन, क्रिश्चन। और अगर इस वर्ड को हम देखेंगे तो है इजिप्शियन, इजिप्शियन, क्या इजिप्शियन, तो ये शन का आवाज दे रहा है और ये क्रिश्चन, ये चन का आवाज दे रहा है। अगर टी आई ए एन से पहले एस है तो चन ले लो, अगर एस नहीं है तो बाकी 25 जो भी सब लेटर्स हैं उनके साथ आवाज शन का ले लो। तो जी ये थे आज के हमारे रूल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों के बड़े काम आएंगे, इनको अपनी रीडिंग्स के थ्रू ज़रूर जो है इस्तेमाल में लाएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की इनके ऊपर ग्रिप हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए।